प्रधानमंत्री की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके चलते जन जन को सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को चिन्हित करके उन्हें 35,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। इसी को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में सभी अधिकारियों की एक बैठक ली गई, जिसमें बाहर से आए बड़े अधिकारियों ने सभी अधिकारियों से बात कर ये निर्देश दिए कि गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को चिन्हित करके उन्हें रिपोर्ट करें, जिससे कि गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को जानकर उनके यहाँ विवाह संपन्न किया जा सके। संबंधित तहसील में, तो तहसील मुरादाबाद से आया हुआ है, जांच करके आपने भिजवा दिया है और डिस्टेंस साइन करके आप यहाँ से भी नहीं आया है, तो जो तहसील में भी आवेदन पर जिन लोगों ने किया हुआ है उसको आप लोग जाँच करा दीजिए लेखपाल से। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित खंड विकास अधिकारी आप लोग बैठे हैं जो आवेदन पत्र थे, इसीलिए मैम हमने सहूलियत के लिए हार्ड कॉपी भी भिजवा दी थी। अब आप लोग उसमें ग्राम पंचायत की जो बैठक है करा के उसको पात्रता की जांच करा के और डिजिटल आप रिजेक्ट करना रिजेक्ट करिए या उसको वेरीफाई करके हमारे यहाँ पहुंचा दीजिए मैम, यहाँ आप स्वीकृत नहीं हो पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नया प्रोग्राम है ये सामुदायिक शादी को लेके, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, कन्या लोग हैं जिनका उम्र 18 से अधिक है होना चाहिए और वो बीपीएल रेखा के अंदर होना चाहिए और वो यूपी के रेसिडेंट होना चाहिए। ऐसा लोगों को आइडेंटिफाई करके उनका पात्रता को सेलेक्ट कर जाँच करके एक सामुदायिक शादी हम लोग करा रहे हैं। इनको 20,000 का प्रोत्साहन धनराशि भी उनके खाते में हम ट्रांसफर कराएंगे, तो इसको लेके ये एकदम नए स्कीम है, तो इसका लाभार्थी का जो सिलेक्शन और इसमें जो रणनीति है, इसमें जो नियम है, इसके बारे में सारे अधिकारी लोगों को बताया गया है और आने वाले जनवरी 15 के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मुख्यालय पर होगा। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।